साल की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन है। इस मौके पर आज मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने आज पीसी सेठी अस्पताल पहुंचकर मरीजों के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन मनाया। तुलसी सिलावट ने यहां केक काटा और जरूरतमंदों को कंबल बांटी। तुलसी सिलावट ने खुद अपने हाथों से मरीजों को केक भी खिलाया। पूर्व केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 1 जनवरी को जन्मदिन है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन मनाते हुए उन्हें जन्मदिन की अग्रिम बधाई दी और कहा कि इस कड़ाके की ठंड में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन के अवसर पर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए हैं ताकि इन्हें ठंड से राहत मिल सके। सिलावट ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब भी पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का उन्होंने पूरी निष्ठा से निर्वहन किया है। हमारे राष्ट्रीय नेता पूर्व केंद्रीय मिनिस्टर माननीय श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी के 1 जनवरी को जन्मदिन पूरा देश में बड़े सादगी के साथ मनाया जाता है और हमने भी आज निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सम्मानित तुलसी सिलावट जी की मौजूदगी में एक शासकीय हॉस्पिटल पीसी सेठी हॉस्पिटल में स्ट्रेचर और कंबल गरीबों के बीच में हमने वितरण किए, क्योंकि कभी भी कोई जन्मदिन या खुशी का मौका होता है उसमें गरीब को जरूर शामिल करना चाहिए। इस कारण हमने आज गरीबों के बीच में श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी का जन्मदिन बड़ी सादगी के साथ और गरीबों के साथ यहाँ तुलसी सिलावट जी की उपस्थिति में मनाया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी का जन्मदिन जो हमारी अपनी संस्कृति में नया साल आता है उस दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया का जन्मदिन है। कुछ तरुण ने मंजूर बेग के साथ उन्होंने भावना व्यक्त की कि गरीबों के बीच में ये कंबल बांटे जाए, इसी भावना को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर, इसी लक्ष्य को लेकर इससे अच्छा स्थान समाज का वो तबका, समाज का वो वर्ग इलाज के लिए आता है जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करता है, या गरीब आता है, मजदूर आता है, दलित आता है, सारे वर्ग के लोग आते हैं। इसे वर्गों में हमारी सबसे ज़्यादा हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ आती है, माँ शक्ति आती है। इसलिए एक पवित्र काम मंजूर बेग के नेतृत्व में देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी का भी ये सोच है, ये संकल्प है कि समाज की सेवा उस व्यक्ति की करो जो समाज का अंतिम व्यक्ति है। इसी भावना को लेकर ये कम्बल और वो टाली हमने 4 टाली पीसी सिटी अस्पताल को भेंट की है। उसके पीछे भी यही धारणा है जो हमारा मरीज आता है उसको आने जाने में तकलीफ होती है, एक प्रतीक बनेगी, एक सहारा बनेगी कुछ समय के लिए। इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट।